बड़ी संख्या में आम जनता के यहाँ जमा लग चुका है। ये देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में आम लोग माननीय मुख्यमंत्री को सुनने के लिए आए हैं। और यहाँ देख सकते हैं हम बात करेंगे आम लोगों से, क्या कहना है माननीय मुख्यमंत्री सभा को लेकर आपको? जी काफ़ी उत्साह है हम लोगों में, हमें उनसे बात करने का भी मौका मिलेगा तो उसके लिए हम काफ़ी खुश हैं और अच्छा लग रहा है हमको। अभी आने में ही है, सर आ जाए तो फिर हमारी जो उनसे बातचीत है वो शुरू हो जाएगी। उत्साह दिख रहा जनता के अंदर? काफ़ी उत्साह है, यहाँ पर काफ़ी सारी मात्रा में लोग इकट्ठे हुए हैं और काफ़ी दिनों से ये प्रोग्राम चल रहा था, मतलब आने का था उनका, तो इस वजह से सब लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। सर बहुत लोगों में जो उत्साह दिख रहा है और मुख्यमंत्री जी को देखने और उनसे बात करने का जो उत्साह है वो बहुत ज़्यादा है और सभी लोग अपनी अपनी बात रखने का मन में एक भावना लेकर आते हैं कि सर से हमारी बात होगी या ऐसा कुछ। बड़ा ही उत्साह है लोगों के अंदर इस बात को लेकर, कहा उन्होंने कि माननीय मुख्यमंत्री से लोग अपनी बात को रखने के लिए यहाँ पे आए हैं। और आप देखते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। हम बात करेंगे, क्या कहना है मामा जी के लिए? आज मामा जी यहाँ पर आ रहे हैं जवाब में, क्या कहना चाहिए? हम आशा कार्यकर्ता है, हमारी कुछ तनख्वाह बढ़ाए आगे, काम तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग, हमारे तनख्वाह कुछ भी नहीं है, केवल 2000 रुपये मिलते हैं, 2000 में क्या कुछ होता है सब लोग जानते हैं। आशा कार्यकर्ता हैं, यही उन्होंने अपनी मांग रखी है कि मामा जी से हमारी ये उम्मीद है कि जो उनकी तनख्वाह है वो बढ़ाई जाए। यहाँ पे देख सकते हैं स्कूली बच्चे भी हैं, बड़ी संख्या है, मामा जी को सुनने के लिए आए हैं वो। हम स्कूली बच्चे से बात करेंगे, क्या कहना है मामा जी को सुनने के लिए आए हैं आप लोग? सर हम मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के हमारे शिवराज सिंह मामा के स्वागत में उनका इंतज़ार कर रहे हैं, हमको सुनने के लिए आए हैं। क्या कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए? क्या कहना चाहेंगे? ये थे बेटा, आज माननीय मामा जी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये क्या कहना चाहेंगे माननीय मामा जी को सुनने के लिए? बड़ी संख्या बच्चे लोग आए हैं सुनने के लिए, बोलेंगे हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आज हमारे जावत के अंदर पधारे हैं। और बस, और ये मतलब प्रौद्योगिकी ये आज करेंगे तो उसके लिए क्या था? ये देख सकते हैं आप बड़ी संख्या में यहाँ पर जनता का जमावड़ा दिख रहा है, बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में जो कृषि उपज मंडी के अंदर जो पंडाल लगा है, विशाल पंडाल बनाया गया है, पूरा पंडाल यहाँ से पब्लिक से गचागच भर सकता है, दूर दूर से देखते हैं, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको जनता के दर्शन देखने को मिलेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ जनता दूर दूर दिख रही है, कई स्कूली छात्र भी यहाँ पर आए हैं। बड़ी हमारे साथ में एडिशनल एसपी सुंदर सिंह कनेक्ट जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह से व्यवस्था की गई है, किस तरह से यहाँ पे कितनी एजेंसियाँ उनकी सुरक्षा में ले गई है माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर, और किस तरह से कौन कौन से मंत्रियों का दौर आना शुरू हो गया है और किस तरह से व्यवस्थाओं को लेकर वो जायजा कर रहे हैं, ऐसा बताएं किस तरह की व्यवस्था की गई यहाँ पर? देखिए VIP विजिट को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रोग्राम है जावद में, तो उसको देखते हुए पूरा आम सभा स्थल को अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है, साथ ही हेलीपैड पर अलग व्यवस्था लगाई गई है और मार्ग व्यवस्था को भी 3 सेक्टर में बांटा गया है और पार्किंग वगैरह सब व्यवस्थाएं अलग अलग लगाई गई है, और इसी को देखते हुए पूरा इंतजाम जो है तैयार किया गया और सभी इसमें एडिशनल SP और DSP और TI रैंक के अधिकारियों को सेक्टर प्रभारी बनाया गया है। हेलीपैड पर किस तरह की व्यवस्था की गई है, उनको आने में कितनी देर लगेगी माननीय मुख्यमंत्री जी, और किस तरह से आप सभा समाप्त करेंगे वो? बस 1:02 पर वहाँ से टेकअप हुए हैं भोपाल से, और यहाँ पे करीब 1 घंटे के भीतर मतलब 2 बजे के तक आने की संभावना है, और साथ ही वहाँ पर हेलीपैड पर प्रत्यक्ष व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, कारकेट वहीं पर उपस्थित है और सभी जो इंतजाम होना चाहिए VIP को लेकर वो सभी किए गए हैं। अगर मंच की बात की जाए तो यहाँ पे किस तरह के इंतजाम किए गए सुरक्षा को लेकर, जो भी लोग आ रहे हैं उसको किस तरह चेक किया जा रहा है, एक एक व्यक्ति को चेकिंग करके यहाँ पर सभा स्थल पर आने दे रही है, किस तरह की सुरक्षा को लेकर हम बात करेंगे तो किस तरह की व्यवस्थाएं? देखिए यहाँ सभा स्थल पर जो पहुँचने वाले लोगों को 3 प्रवेश गेट बनाए गए हैं और तीनों जगह पर एंटी सपोर्टर चेकिंग की टीम लगी हुई है DFM DHHMD द्वारा और महिला इंक्लोजर वगैरह तैयार करके वहाँ पर चेकिंग की जा रही है, और साथ में जो VIP गेट है हमारा कॉलेज परिसर में वहाँ पर भी DFM DHHMD के साथ में पूरी एंटी सपोर्टर चेक टीम लगी हुई है, और एक हमारी BDDS टीम भी यहाँ पर उपलब्ध है, उसके द्वारा भी पूरा एरिया जो है एंटी सपोर्टेज किया जा रहा है। ये थे एडिशनल SP सुंदर सिंह गणेश, उन्होंने कहा सुरक्षा की हम बात की जाए तो 3 गेट लगाएं, तीनों गेट के बाद में हर व्यक्ति को चेक करने के बाद ही सभा स्थल तक आने दिया रहा, और व्यवस्थाओं को लेकर सुरक्षाओं को लेकर सारे कड़े इंतजाम किए गए हैं। कुछ ही देर बाद माननीय मुख्यमंत्री जी जावत पहुंचने वाले हैं।